इसको थोड़ी देर बाद देखना आप। बीकॉम करी, एमकॉम करी और अब इसकी शादी हो रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोच रहे हो देहरादून, वाओ। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था हमारे। तुम देखते देखते थक गए होंगे, पानी पी लो। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, जय माता दी। आज नेक्स्ट डे है, रात में सो गए थे। अरे खान तो कितना साफ बोल रही। कितना साफ बोल रहे, पागल है तू। स्ट्रेस हो गया, करवानी हो तो ये दुल्हन है इसकी हर होने वाली दुल्हन ब्राइड मत बोल यार, ब्राउन अभी मत बोल। अबे हाँ, मैंने बताया नहीं ब्लॉग में कि मैं क्यों आई हूँ। इसकी लड़की की एंगेजमेंट है। और फिर भी शो होगी वो। इसकी एंगेजमेंट है। तो ना ये जो है ना, हम स्कूल में एक साथ थे। स्कूल में ट्यूशन में अरे स्कूल में हम ना एलकेजी से लेकर 12th तक एक क्लास में पढ़े हैं। मतलब पर ये है कि हम ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड वाले, पर हम साथ में पढ़े हैं। 11th में फिर हमने दोनों ने कॉमर्स ले ली और हम फिर साथ साथ हो गए। और फिर अब मिल रहे हैं। और फिर पता क्या हुआ 12th में, भाई देखो पहले तो 11th में सब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, तो हम अलग अलग होकर के मतलब हमारी फ्रेंड दूसरे में फिर हम बन गए। उसके बाद 12th में क्या होता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये लड़की हमको बोल रही थी कि मैं तो देहरादून जाऊंगी और मजे करूंगी, है ना, देहरादून जाऊंगी मजे करूंगी, मसूरी घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी और तुम्हें होगी मुजफ्फरनगर। और जो अब ये लड़की खुद बताएगी आपको। नहीं मैं कुछ नहीं, कितना घूमी है ये जरा बताओ, मार्गदर्शन करो अपना मेरे ब्लॉग में। मैं बहुत भाई साहब देहरादून आई है ना, ये कुछ नहीं घूमी, इसको मैं घुमा के जाऊँगी। अभी मैं आई हूँ तो मैं घुमा के जाऊँगी, बहुत घूमी। तो फिर पता क्या है, अभी 12th में हम चले गए थे ना, 12th में ही आ गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं मिले भाई साहब, 7.5 साल हो गए हैं। अब मिल रहे हैं, अब मिले हैं, वो भी मतलब मिल गए। इस लड़की को मैंने बुलाया तब ये आई है, वो भी मैंने तो बुलाने से क्या होगा, बुला तो मैं हजार बार रही हूँ, तो देखो मैं आई हूँ, ये बोल के ये आ गई है, इसलिए तो मेरे को जाना चाहिए ना। और तो बस यही था हमारा, जो मैंने कहा था कि मैं उससे मिल करके बताऊंगी। और वैसे हमारे बहुत सारे किस्से हैं, हम क्लास जाते थे एक साथ ना, ट्यूशन मतलब अभी जो मैं क्लास बोलती हूँ, पहले ट्यूशन बोलते थे, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के। तो भाई साहब गलती से हमने मैथ्स ले ली थी 11th में, और भाई साहब दिमाग तो ऐसा घूमा था ना 11th में, पहली बार हमने मैथ्स का एग्जाम दिया था भाई साहब, मैं सेफ सच बता रही हूँ, सब बच्चे फेल हुए थे, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। और टीचर सर कौन से थे हमारे, क्या नाम था, क्या मनु सर, कपड़ा पहन मा। अबे यार मैं प्रेस करना छो, इसकी लैंग्वेज सुन रहे हो, कोछो अछो चाइनीज गढ़वाली है, ये गढ़वाली है भाभी तन्नी है जो ऑफ। और मैं कल से यहाँ पर हूँ और ये लोग गढ़वाली बोल रहे हैं, और तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं कैसे रह रही हूँ, क्योंकि पता कैसे बोल रहे हैं कोछो। नहीं तो मैं इसको समझा रही हूँ, मैं इसको समझा रही हूँ कि ऐसी सी भाषा, पर ये मेरे को समझा रही है, जैसे कोई भी मेरे को कुछ बोल रहा है तो मेरे को समझा रही है कि मुस्कान इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। यस, तो बस यही चल रहा है फिलहाल। तो उसकी इंगेजमेंट है, ये जा रही है, इसका जो है प्रायोजन हो गई है ये धीरे धीरे। तू है प्रायोजन यार, क्या तो कुछ बताना चाहिए। अच्छा मेरी कुछ, मेरे बारे में तो बता दे कुछ, मेरे ब्लॉग में क्या बताऊँ मैं इस लड़की के बारे में। अच्छा बताइए, और अभी तूने शादी करा भी कर दिया। हाँ करा, इसमें कर दिया दिखाई, पर यार हम बहुत बहुत सीधे वाले हैं बच्चे। हाँ मतलब हमने आज तक बंक भी नहीं मारा कभी भी। एक बार हम भाई वहाँ पर गए इकोनॉमिक्स, नहीं इकोनॉमिक्स के ट्यूशन, वहाँ पर संजय हो गई थी, संजय के पास वहाँ पर मैम नहीं थी, छुट्टी थी मतलब हमारी, तो पता ये बैकग्राउंड साउंड है इस पे आप ध्यान ना दीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा गढ़वाल की, समझ में आएगी कोई ना कोई ना कोई तो देखेगा ना, पर कोई ना गढ़वाल का होगा वहाँ पर ना, मुझे जो मैंने ब्लॉग देखता हूँ। ये देखो ये बिल्कुल अभी अभी फ्रेश फ्रेश नहा के निकल रहे हैं बाथरूम से, ये देख लीजिए इनका असली रुख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो बता फिर क्या हुआ, हम चले गए, फिर हम सीधा पता कहाँ गए, ग्रैंड प्लाजा, हमारे मुझे थोड़ा नया नया मॉल,
और उस टाइम तो पूछो उस टाइम ये था कि भाई सब माहौल और हम गए ना उसके बाद घर जाके मतलब हम भाई मम्मी को बता दी कि मम्मी हम तो बताओ ऐसा बंक मार ऐसा बंक मारा हमने घर आके घर वालों को बता दिया कि बंक मार के मैंने क्या मारा हमने तो यही हमारे स्कूल ऐसे मतलब कि हमने ना कुछ बंक वंक नहीं मारा भाई आज तक वरना यार अभी थोड़ा मारते थोड़ा सा लगता तो तब याद तो रहता ना थोड़ा बताते थे ना कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया है और अभी भी हम ऐसे ही है यार कॉलेज में भी नहीं करा कुछ भी नहीं करा कॉलेज में आके तो मैंने कुछ नहीं करा बेकार इसका तो बस पूछो मत तो बोलती थी कि मैं तो भाई साहब हवा में उड़ूंगी भाई भाई चलो हमने तो कुछ कहा नहीं था हमने तो मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं था खैर मेरी तो चेंज हो गई लाइफ ना बहुत ज्यादा मतलब मेरा तो कुछ मतलब म्यूजिक वाला कुछ था नहीं कॉमर्स की बच्ची थी हम कॉमर्स छोड़ करके हम म्यूजिक में आ गए और मतलब अच्छा चल रहा है बट मैं कॉमर्स में ये कॉमर्स में ही है इसने बीकॉम मैं कॉमर्स से बाहर नहीं निकली बीकॉम करी एम कॉम करी और अभी इसकी शादी हो रही है तो बोला है अभी इसकी इंगेजमेंट है ना आज तो मैं एक दिन एब्सेंट रहूंगी यहाँ पर गेम घूमने जाएंगे घूमने अरे यार नहीं नहीं सुन तो ले घूमने कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है ना वो देखना तुम आगे बोलो वो आगे इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा हुआ है कि मतलब ये दूर आई हूँ इसको बेचारी को कहीं तो घुमा दू ये घूमने मेरे को घुमाने के लिए रुकी हुई है हां भाई ये खुद इसका मन नहीं था घूमने का मेरा मन नहीं है घूमने का पर मैं इसकी जिंदगी थोड़ा सवार देती हूँ चलो यार हाँ अभी मैं हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे मतलब वो क्या होगा सबने देख लिया ये इतनी गंदी शक्ल दे दी तभी तो बहुत क्लियरिटी से नहीं दिखा रही तो ये अभी ये पहनेगी लहंगा सब कुछ पहले बता दे लोगों को पता तू कैसे लहंगा पहनेगी अब लहंगा ही पहनते रहे एंगेजमेंट में और मैं क्या पहनूंगी वो भी बताऊंगा पर पहनूंगी साड़ी साड़ी अबे चल ना साड़ी साड़ी तुम देखना यार मैं क्या पहनूंगी और मतलब बता देना बस मैं कैसी लगूंगी आज मैं अच्छी लगूंगी वो अबे वैसे तो मैंने नाश्ता कर लिया है लेकिन अभी हमारा नाश्ता हुआ वो जो चाय मेरा स्पेशल नाश्ता हुआ है मतलब मुझे रोटी सब्जी मिली है और चाय इसको कुछ नहीं मिला पकौड़ी पकौड़ी ले जाते हुए जा रही है ये पकौड़ी वाली है तो ये मेरे को कुछ दिखा रही है दिखा क्या दिखा चाहती हूँ पर लग गया ना मैं दिखा रही थी ना कुछ दिखा दिखाऊँ मैं आपको इसने क्या दिखाया है ये है वो लड़की इसकी ये है वो स्कूल में ऐसे दो चोटी वाली मतलब मैं तो सी बुरी थी क्या तो क्या बुरी नहीं थी मेरे से मतलब हम सेम थी वी आर सेम ब्रो ले पटा पकड़ अपनी मुझे कुछ काम है मैं वो कर लेती हूँ कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है तैयार होने अभी मैंने चलिए दिखा दिया यार जा रहे हैं मतलब तैयार होने दिए जा रही है पार्लर में मैं तैयार पार्लर में नहीं होंगी लेकिन मैं साथ जा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये खो जाए और ये बैग उठा करके चल रही है यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है तुम सोचते थे मतलब देहरादून वाओ सो ब्यूटीफुल ऐसा कुछ नहीं है यार ऐसे जैसे हमारे यहाँ ना मतलब ऐसे नॉर्मल घर ऐसा ही है वो बहुत फर्स्ट क्लास इलाका होता होगा जहाँ लगते हो गया अरे वाओ सो ब्यूटीफुल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है होता सेम सही है हमारे जैसे ठीक है रिक्शा में जाएंगे हम पार्लर में पता 8 बजे अंदर यही बंद है पार्लर देख सकते हैं ताला लग रहा है इस शक्ल देखो चल पीछे अब ये पहन के आएगी अपनी ड्रेस ठीक है अब मेरे को कुछ नहीं करना है बस मेरे को ना वेट करना है आपकी कोट सेट मेरा ऐसा लग रहा है इसको थोड़ी देर बाद देखना आप ये तो हो गया पार्लर वाले से तैयार लेकिन मैं तो खुद से होंगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं पार्लर में तैयार होती हूँ तो अच्छी नहीं लगती हूँ और मेरे को पसंद भी नहीं है वो तो अपने घर की शादी में थोड़ा तो मेकअप हो गया है जैसा ही मैं करती हूँ थोड़ा बहुत अब मैं चेंज कर लेती हूँ अच्छी दिखाती हूँ आपको ठीक है रेडी में हो चुकी हूँ और आपको दिखा देती हूँ हालत मेरी ऐसी वही थोड़ी देर में हो जाएगी सही देखने के बाद
ये रही वो लड़की इसकी इंगेजमेंट का, और इसका अभी से जो है ना आई लैसेज उतर गया था, मैं अभी चाहती हूँ करवा दूँ उसका सही। यार मैं ऐसे लगी बड़ी चीज से जबकि मेरे से बड़ी है। हील्स तो मैंने पहने ही है लेकिन वैसे पकड़ दी अल्लाह छोटा सा मुँह फिर किसी के सामने मेरा बड़ा मुँह लगा वरना मेरा छोटा सा लगता है। आ जा आज आज के लिए है सिर्फ, कल से फिर वही नौकरा नहीं। बस हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। चलो चलो आओ भाभी चलो कैमरे में भाभी भाभी अब हम जा रहे हैं घर। इनको देखो तैयार हो गए बिल्कुल। अरे पीछे आ जा और ये आ रही है ओला ओला उठाना है ना। चलो आ जाओ बाय बाय। इसके बिंदी दो बार लगा दिया, इसने बार बार डाल दिया। हमारी दो बार लगा अभी अभी हम गाड़ी बैठे देखो उसकी अब तक बिंदी चल गई है दूसरी बार, और घर जाते जाते इसका मेकअप भी चल जाएगा। कैलाशपुर है ना, इधर से चली जाएगी भैया सामने से ना पूजा विहार से। फोन कॉल मुस्कान में शिवानी में सुनेगी क्या तू? मैं शिवानी बोले सुन रही, शिवानी बोले तो सुन रही। ये बता कैसा लग रहा है? भाभी धक धक यहाँ पर होगी इंगेजमेंट और ये उतर रही है अब। आ जल्दी पहली बार जाना पहुंच गए हैं हम। हाँ जी हेलो सुन रहे हो? ये भी हमारी स्कूल फ्रेंड है सिया, इसका नाम सुजय है, उसको हम प्यार से सिया बुलाते हैं। ये भी वही वाला है, वही वाला सीन है, मतलब जैसे एलकेजी से 12th तक पढ़े हैं ना साथ में। ये भी ऐसे चीयर्स चीयर्स अच्छा चीयर्स गाइस अच्छा चाय आप लोग उनको लगाने वाली बोल रही थी बार लगाऊं तीन बार ये बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। इसने बहुत भाव दिया था ना, कल से बन रहा है ना वो। ये इधर ये भी है और ये मतलब सविता भी शिवानी की फ्रेंड है। सविता इनसे हम पहली बार मिला है, इनसे तो हम मिला है कई बार बचपन में। लड़ाइयाँ भी हुई होंगी हमारी? यार नहीं यार, ऐसी ऐसी लड़ाई हुई नहीं है, ऐसे नहीं। अच्छी अच्छी मेमोरीज है ऐसी। हाँ बहुत सारी, हम अभी ब्लॉग बता रहे हैं, अब फोटो लेते हैं। ठीक लग रहा है सब, पंडित जी पूजा करके आए वाले आ गए हैं। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एंट्री पर ही दिखे, एंट्री पर ही दिखे। हाँ तो उसको हम दिखाने गए थे और इसके लिए उनके भी आया गाइस। दिखाते हैं चाय पी तूने मेरे बिच्छू मेरे भी आए हुए रहने दे तो अंदर चल रही थी पूजा तो अच्छी, और मैंने सोचा जब तक हम फोटो ही ले लेते हैं तो फोटो के साथ साथ एक वीडियो भी बना ली जो कि आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। तो हम आ गए हैं नीचे क्योंकि उसकी पूजा और वहां पे हमें स्पेस नहीं मिला। हां अरे मैं इंटरेस्ट नहीं आता, मैं उसको तो कहीं नहीं पर बुला रही।
मैंडेटरी है। अब तैयार है तो फोटो बनते हैं। गाने चलने लगे तो सुन ही नहीं आ रहे, थोड़ा सा ही लगा ये वाला थिंकी है। गर्ल वाली सॉन्ग्स चल रहे हैं। पहले से पूजा होती है। शिवानी के एक ही मीट बैठे पीठ पीछे हम बोलेंगे इसलिए हमने देखा नहीं एक बार पीछे वाला पीछे साइड ना हो कहाँ कहाँ ले जा रही हमको शिवानी बताना भी होता है कि हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी हुई है तूने बताया था क्या पता क्या था भाई शिवानी चलो चलो तो दिवाली मैच कर रही अच्छा दिवाली मैच करके ड्रेस लाई थी ये क्यों ना बनाऊं सब्सक्राइब करें गाइस लाइक करें और शेयर भी करें गाइस भैया और यहाँ खाना चल रहा है बहुत ज्यादा और खा रहे हैं नहीं ये क्या बात है यार खाने में शर्म कैसे करनी मैं भी तो मेरा फेमस नहीं होना मैं भी फेमस करना भी नहीं है तुमको तो
यहीं से कर दे बस, अब नीचे जाएगी बिल्कुल ही। शिवानी आ गई छोड़कर, बाय कर दिया। शिवानी मुड़ मुड़ के देखो, मुड़ मुड़ के देखो, रैपट मारेगी भाभी तेरे। क्या पहन रही है दिखा पहले, क्या पहन रही? मैं पास करूंगी। यस ओके गुड, फेंक दो बाहर। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया बहुत ज्यादा, तुमने देखा होगा पूरे ब्लॉग में मैंने साड़ी पहन रखी थी। लड़की को देखा कौन से, इसने पहले कहा यार तुम देखो धोगे बाद दुनिया है, ये धोगे बाद जब हमको कपड़े चेंज करने गए, हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहाँ लूटी जहाँ पानी कम था, डूबी जहाँ पानी कम था, हमारी कश्ती जहाँ पानी कम था। बस गाइस मैं बताता यार आपको, मैं बहुत दुखी हूँ, इसने साड़ी बना दी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई साड़ी में। बाकी मेरे बहने घर देख लीजिए, आपने डाल गया है, फोन तो बंद करी दीदी हो गया, डाल गया है इससे ज्यादा मेरा नहीं, मेरा नहीं आया। देखो ये इसका फोन है, इसका पासवर्ड मेरे को पता लग गया है अभी, इसने ना मेरे को इसकी बस क्या ही बताओ यार भेजे थी इसने, इसके सारे चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं, सबको लाइक मारा हुआ है, सारे व्यूज दिए रखे हैं, और साथ में इसने ये इसका दावा था, हुआ उल्टा इसका, इसका उल्टा हुआ, कह रही मैंने सब्सक्राइब रखा तेरा चैनल यार, दोस्त का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे यार, खोल के देखा तो सब्सक्राइब हुआ, और अब इसका देख रही मैं। वैसे हम लोग तो देखते हैं मेरे बातों से पता लगता है इसकी ना, क्योंकि पर मैंने तेरा वाला ब्लॉग देखा जिसमें तूने कुछ काम नहीं करा, बस लास्ट में बर्तन मांजने के लिए गई, बर्तन भी तेरे मांजते हुए तेरी बहन मांज रही, तूने नहीं मांजे बर्तन। रुक जा एक मिनट मैं सर्च कर लेती हूँ। हाँ देखा देखा मेरा पता, मैंने मुस्कान मैंने याद मुझे पता ये देखो ये देखो ये देख लो क्या कुछ भी है ना, सब्सक्राइब नहीं करा क्या है ये, इतने दावा कैसे कर रहे थे, इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं यार तुम लोग दोनों, मतलब एक होता है कि चलो मैंने इससे सीखा थोड़ा घबराहट हो मन में कि चलो भाई मतलब नहीं कर रखा है कर रखा, मतलब पूरे दावे से कि सबसे रखा उसकी, उसके बाद इसकी बहन आई ये कि मेरा देख तू मैंने कर रखा है, ये देखो क्या कहूँ मैंने, अबे मैंने लाइक तो कर रखे भावा, सब्सक्राइब ना करो लाइक कर लो, मैंने तुम्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल, अरे वो गलती से बटन नहीं दबा उसमें तब पढ़ लगे ना एक देख लो गाइस, तुम देखते देखते थक गए होंगे, पानी पी लो अभी नहीं तेरे में तो सब ऐसे लिखा ना, तो मैं तुझे क्या बोल रही, अभी नहीं गलती हो गई, ओपन हो गया गाइस, गलती हो गई है ओपन, इसकी मैं ऐसे लिखा वाला यार, ऐसा क्यों मैंने सब्सक्राइब करवाया है, अब हुआ सब्सक्राइब, मैंने पहले भी करता था नहीं अभी हुआ, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तेरे बस मेरी बस वीडियो कैसे आ रही तेरी सारी, मुझे अनसब्सक्राइब हो गया सब, अब हुआ वो सब्सक्राइब बाइट बाइट हट गया ना इसके ऊपर से, देखो यहाँ से रैप बेवकूफ इंसान, मैं नहीं आने के लिए बात, हम लेके जाएंगे तुझे मैं आने के लिए, मुझे फिर देखा पी के मेरे कपड़े, उसको बेस्टी बोलते हैं, ये देख इसको बेस्टी बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं करना चैनल, ये देख ये देख ये बस ये वाला नहीं देखा मैंने तेरा, चल ठीक होली बट्टे से 10,000 लोगों ने देख लिया, देखो
3200 लोगों ने देखा, तूने देखा लेकिन। हाँ सुन ले भाई, टाइम नहीं मिला था मुझे हर चीज के लिए, चाहिए थोड़ा होगा मेरे पास हर चीज के लिए, मेरे पास टाइम होगा। 3200 लोगों ने देखा यार, बिजी भी तो होती मैं कभी, देख मैंने इतना ये वाला भी देखा तेरा माय होम टूर, तूने घर देखा कंप्लीट देखा मैंने, ये देखिए भी देखा मैंने, मैंने भी देखा था होम टूर का। दूसरे घर में जाकर रह रहे हो जाऊँ मैं, मतलब आंटी उस किचन में खाना बना लेती है, भाभी बोलना पागल, मम्मी तो मेरे लागू नहीं आई, मैं तेरा वाला ब्लॉग भी देखा था जिसमें तू जूस बना रही थी। हाँ वो था एक बार, एक बार चलो वो चैलेंज वाला देखा था, एडिट करता वो तो मैंने भी देखा था, तो उसमें क्या था, उसमें मिर्ची खाने रही नहीं, मैंने बोला था ना मछली पानी में गई, भाभी की माफ थी यार इसलिए यार देखा नहीं, तूने बोला था एक मछली पानी में गई, पापा वाला भी देखा था मैंने तेरा ब्लॉग, उसमें क्या था, एक मछली पानी में गई, तुमने सब लोग खेल रहे तेरे परिवार वाले, यार कैसी बात कर दी तूने, कैसे दे दी, तो उतनी ग्राफ ना कम लेन ना परिवार वाले, मैंने देख तेरा ये वाला, ये भी इसने बोला बराती वाला भी देखा था, ये देख ये मैंने तेरा हैदराबाद में गई हैदराबाद दिया सबको सरप्राइज, ये भी देखा था मैंने तेरा पेपर था, तूने मना कर दी थी कि मैं नहीं आऊंगी, फिर तू चली गई, सरप्राइज दे देता इस चीज के लिए, ठीक है ये वाला भी देखा था मैंने कि मैंने ये जींस डाली मैं शादी की उसमें, तो ये मम्मी भी तैयार हुई, मैंने मम्मी को भी तैयार करा, सब देखा मैंने, ठीक है ये वाला नहीं देखा मैंने जैसा चैलेंज, ठीक है ये भी नहीं देखा मैंने, ये वाला भी देखा मैंने कि मैंने ये हमने सारी दुकान छान मानी, हमने चाउमीन खाई थी अपने भाभी के साथ, तू बता क्या हुआ था इसमें, कपड़े के लिए जा रहे थे तुम देखने, तुम्हें मिल नहीं रहा था पर वो कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए था, थोड़ा बहुत पता है ना, बच्चे बच्चे मैंने बोल दिया कि तुम्हें कपड़ा नहीं मिला था, ये पेपर फोड़ी है यार, ये मैंने होली का देखा था कि हमने होली पे भजन कीर्तन गाया था, फिर हमने होली खेली थी, ये हमने ये भी कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी सेट है, मेरे पास इयर रिंग्स है, मैंने भी देखा फलाना फलाना और सारे सेट भी नहीं करे तेरे वापस रख दिए, भाभी ने मेरे को जीन्स गिफ्ट करी तेरे बर्थडे पे करी थी, कब करी थी, और तूने वो बात तेरी मम्मी ने तेरे को ड्रेस बना के दी थी, मम्मी ने सूट सिला है मेरे लिए, पर यार मतलब बात है कि सब्सक्राइब भी नहीं करा था मेरे चैनल, अरे वो उसको पिक करने का टाइम नहीं लगा, देखा था मैंने तुम जब मुंह गई हुई थी वहां कटरा में, ये वाला लगा दो फोटो, ये समझ रहे हो कि ये 15 15 मिनट का ब्लॉग देख सकती है, लेकिन इसको सब्सक्राइब करने का वो टिक जो है ना वो नहीं, इसको टाइम नहीं लग रहा यार, सॉरी गाइस सॉरी, आई मैंने ये भी देखा था कि तू ऑडिशन देने के लिए गई थी, मैंने कहा था मेरी मुस्कान इतनी बड़ी होगी, मैंने कहा मैं इसको मैसेज जरूर करूंगी, लाइक जज बन के गई थी, सॉरी ऑडियंस आई अपोलोजाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैंने गलत वर्ड यूज करे हैं, ठीक है इसने यहाँ पे जज बन के गई थी, मैंने बोला मेरी मुस्कान इतनी बड़ी होगी, अब मैं इसको मैसेज करूंगी, फिर मैं भूल गई थी मैसेज, ये देखे भी देखा था मैंने, तो पूरे दिन निकालने गई, तू क्या बात कर रही है, मैं सारे ब्लॉग कोई होगा, ओके बाय बाय, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, मिस करा हुआ जो मैंने तेरा, बाकी सारा देखा हुआ मैंने, ओके इसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया इसका, कर दिया मैंने, करवा दिया, करा हुआ है, नहीं किया हुआ था पहले भी, नहीं किया हुआ था मैंने, किया क्या हुआ, अपने घर जा रही है अपने, यही रहती है तेरा जमीन ना, मुझे फोन कर दिया तो उसका ठीक हो, इनके यहाँ घर वाले लिफाफा मिलेगा
ये मेरी बेस्टी है, इसका टीका हो रहा है। मैं मना नहीं करूंगी गाइस, ये सब मैं अभी अच्छी रह रही है। मैं इसको लड्डू दे रही हूं गाइस। शिवानी की सहेली जा रही है, नहीं मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी, ऐसे मत बोलो। जा रही है, चलो बाय बाय। हम तो आए वैसे नीचे, बहुत बड़ा टिकन लग रहा है। लड्डू और लिफाफा खपने नहीं चाहिए। अभी शिवानी है, मैं ऐसा पहले खोल के देख तेरी लिफाफे में। हाँ हाँ बिल्कुल आना है, मुस्कान को भी लेके आऊंगी। और मैं मुस्कान नहीं आई तो चिया पटेगी मेरे हाथ से। मुस्कान भी आई। अगर अगर मैं नहीं आई शादी में तो तू चिया को पकड़ दिए। मैं नहीं मैं किसी को नहीं जान, मैं किसी को नहीं जान। चल तो उतर तो आराम से जाइए।